हेलो दोस्तों, हट्टक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जिसके लिए हमें टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जिससे हमारी कभी कभी ट्रेन भी मिस हो जाती है और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप घर बैठे जनरल टिकट, अनरिजर्व टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ओपन करना है प्ले स्टोर। ओपन करने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है यूटीएस। सर्च करने के बाद हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। ये सेंट्रल रेलवे वालों की ऑफिशियल ऐप है, हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले ये लॉगिन है, यहाँ हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें करना है अपना मोबाइल नंबर एंटर, उसके बाद करना है अपना नाम, फिर हमें पासवर्ड सेट करना है, फिर हमें पासवर्ड कंफर्म करना है, फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ करना है अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद हमें अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पहला ऑप्शन जो है हमारा टिकट बुक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन टिकट कैंसिल करने के लिए, तीसरा बुकिंग हिस्ट्री देखने के लिए, चौथा वॉलेट में पैसे डालने के लिए ताकि हमारी जब टिकट बुक करनी हो तो उसमें टाइम की बचत हो सके, गेटवे चार्जेस ना लगें। उसके बाद ऑप्शन है प्रोफाइल का, प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रोफाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है शो बुक टिकट, आपकी जो टिकट बुक कर रखी है उसको शो करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो टिकट है बुक वो शो हो जाएगी। उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं से शो होने लग जाएगी और लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला ऑप्शन है हेल्प का, कोई आपकी क्वायरी है तो आप हेल्प में जाके देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है लॉग आउट करने के लिए। चलिए हम बुक टिकट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें एक नॉर्मल टिकट का है, दूसरा है क्विक बुकिंग का, तीसरा प्लेटफॉर्म टिकट के लिए है, चौथा जो है MST के लिए, मंथली सीजन टिकट भी हम बुक कर सकते हैं। क्विक बुकिंग के लिए हमें रूट पहले ऐड करना होगा, तो क्विक बुकिंग होगी जिसमें हम ज़्यादा रूट, जो हमारा ज़्यादा रूट यूज़ होता है, जिसमें हमारा ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो उसमें ऐड करके रख सकते हैं टाइम की बचत करने के लिए। हम नॉर्मल टिकट जो बुकिंग है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें पहला है पेपरलेस टिकट बुक करने के लिए, सेकेंड है प्रिंट पेपर करने के लिए। अगर आप सेकेंड ऑप्शन से बुक करते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से EVM मशीन से टिकट निकालनी होगी, तभी वो वैलिड होगी। अगर हम फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं पेपरलेस टिकट, तो वो हमारे मोबाइल में जो टिकट आएगी वही यूज़ होगी। दोस्तों, पेपरलेस टिकट बुक करने के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंडर आप होने चाहिए, और सेकंड आप रेलवे स्टेशन से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए। आप रेलवे लाइन के पास खड़े होकर टिकट बुक नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन के अंदर से टिकट बुक नहीं कर सकते, यानी कि आपको रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर होना पड़ेगा जब आपने टिकट बुक करनी है, और 5 किलोमीटर के अंदर रहना होगा। तो देखिए, आपका जो एरिया है वो सर्च हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है, फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जिस स्टेशन का नाम है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डन पे क्लिक। अब यहाँ हमें डिटेल फिल करनी है, कितने लोगों की हम टिकट बुक करना चाहते हैं तो एडल्ट पे क्लिक करेंगे, जितने लोगों की करनी है, कितने बच्चे हमारे साथ हैं तो चाइल्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेन टाइप सेलेक्ट करना है, ऑर्डनरी है, सुपर फास्ट है या मेल है। उसके बाद हमें पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप आर वॉलेट से करना चाहते हैं या UPI डेबिट कार्ड से, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आर वॉलेट को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने डेबिट कार्ड से करना है तो आप डेबिट कार्ड से सेलेक्ट करेंगे। मैं आर वॉलेट पे क्लिक करने के बाद इसको ओके करूँगा। लेकिन टिकट बुक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो पेपरलेस टिकट है वो आपकी कैंसिल नहीं होगी, कितने भी लोगों की हो और कहीं की भी टिकट हो। इसलिए आप टिकट बुक करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें कि ये टिकट कैंसिल नहीं होगी। अब मैं आर वॉलेट पे इसको क्लिक करने के बाद ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये हमारा जो रूट है वो आ चुका है, कहाँ से कहाँ तक है, क्या वाया है, कौन सी टिकट है, क्लास कौन सी है, ट्रेन टाइप कौन सी है, ऑर्डनरी है, मेल है, सुपर है, कौन सी है, टिकट का फेयर आ गया, हमारा वॉलेट बैलेंस भी आ रहा है,
उसके बाद मैं बुक टिकट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अंडर प्रोसेसिंग है।